विकास कार्य नहीं होने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी है। तो हाथरस से अब तस्वीर आई जहां कई गांव में चुनाव का बहिष्कार, विकास कार्य न होने को लेकर लोगों में नाराजगी, चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। लगातार अधिकारी बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन वहीं ग्रामीणों का गुस्सा देखा जा रहा है। कई बूथ ऐसे जहां वोट नहीं पड़े, लगातार उन्हें मनाने की कोशिश, बैनर पोस्टर टांग दिया गया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ग्रामीणों ने विरोध किया है और कहा कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। बता दें कि नेताओं और अधिकारियों से नाराज है ग्रामीण, विकास कार्य नहीं होने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी है और इसी वजह से बहिष्कार इस चुनाव का। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार वोटिंग जारी है और ऐसे में हर एक सीट का हाल न्यूज स्टेट आपको बता रहा है किस तरीके से कहीं विरोध तो कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मतदाता उमड़ रहे बूथों पर, सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी धीरेन्द्र का, न्यूज रूम में मौजूद है धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल राहुल, और अभी दोपहर 1 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात करें तो लगातार देखिए सुबह 7 बजे से हर एक लोकसभा क्षेत्र की जो मतदान बूथ है हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। अभी तक की मतदान प्रतिशत की बात करें तो कुछ आंकड़े सामने आए दोपहर 1 बजे तक के, वो आपको सबसे पहले बताते हैं। पूरे देश की बात करें, पूरे देश में आज तीसरे फेज का मतदान हो रहा है, दोपहर 1 बजे तक लगभग 39% के आसपास मतदान पूरे देश में अब तक हो चुका है। असम की बात करें तो लगभग असम में 45% मतदान हुआ है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 46% के आसपास मतदान अब तक हो चुका है। इसके अलावा गुजरात में 37% के आसपास मतदान हुआ है, मतदान प्रतिशत काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 44% और उत्तर प्रदेश में 38% मतदान अब तक हो चुका है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। हालांकि सुबह जितनी भीड़ दिखाई दे रही थी मतदान केंद्रों पर, दोपहर में उतनी भीड़ मतदान केंद्रों पर नहीं दिखी, क्योंकि पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर दोपहर 1 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहे हैं वो भी एक बार आपको दिखा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी में, दोपहर 1 बजे तक लगभग 38% की आसपास मतदान हुआ है। आगरा में 36% के आसपास मतदान हुआ है। बदायूं सीट की बात करें तो बदायूं में लगभग 34% के आसपास मतदान हुआ है, मतदान लगातार आगे बढ़ रहा है। बरेली में लगभग 34% के आसपास मतदान हुआ है, एटा में 39% मतदान, यहां पर मतदान काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यहां पर भी 39% के आसपास मतदान दोपहर 1 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें रहा है। इसके अलावा फिरोजाबाद की बात करें तो यहां पर 40% मतदान, यहां की मतदान की स्पीड काफी तेज। बाकी अन्य लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो वहां से हाथरस में 37% के आसपास, मैनपुरी में 38% और संभल में 42% के आसपास मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। शाम आते आते जब गर्मी कम पड़ेगी उस वक्त लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, हो सकता है कि ये जो आंकड़े अभी तक दोपहर 1 बजे तक सामने आएंगे ये आंकड़े फिर तेजी से बढ़े। और स्टूडियो से हमारे साथ राहुल लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले 10 लोकसभा क्षेत्रों की हर एक बूथ की सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। जाहिर देखना होगा कि तीसरे चरण में जो बाकी 2 चरण हैं उससे ज्यादा मतदान होता है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में जो उम्मीद की जा रही थी कि 2024 लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज होगा वो बढ़ेगा, लेकिन 19 के मुकाबले कम रहा। और ऐसे में तीसरे चरण में ये उम्मीद की जाती है कि हो सकता है कि 19 का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो इस बार वोटर्स तोड़ देंगे। लगातार कई बूथों पर जो कि मतदाता कतार में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई बूथ से ये खबर भी सामने आ रही है, चुनाव बहिष्कार का ऐलान लोगों ने किया, वो तस्वीर भी सामने आई, चाहे आगरा की बात करें, फतेहपुर सीकरी की बात करें, फिरोजाबाद, हाथरस, बदायूं, संभल, कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां लोगों ने विकास कार्य नहीं होने पर उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया और अधिकारी उन्हें मनाने में जुटे हैं। एटा हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं और शुभम मैनपुरी से एटा का रुख करते हैं, क्या कुछ तस्वीर रही? हालांकि जिस तरीके से
सुबह से आप बूथ दर बूथ है अमित पहुंचे, तो क्या कुछ एटा की तस्वीर जरा वो दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, एटा की तस्वीर की अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही जो जितने भी बूथ थे वहां जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें दिखती थी, उस तरीके की कतारें किसी भी बूथ पर खासतौर पर शहरी इलाके की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा लाइनें नहीं दिखाई दी। हालांकि सुबह के अगर वक्त की बात की जाए तो 7 बजने से पहले तमाम सीनियर सिटीजन और महिलाएं बूथ की तरफ बढ़ते हुए जरूर दिखाई दिए थे। 7 बजने से पहले ही काफी तादाद में लोग दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे जो भीड़ है वो छटनी शुरू हो गई। अभी भी मैं एक बूथ पर मौजूद हूं, यहां की तस्वीर आपको दिखाऊं, क्योंकि टेम्परेचर का जो टॉर्चर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ की तस्वीर आप देखिए, पूरी तरीके से जो सुनसान है, बूथ पड़ा हुआ है, 2 बजे का वक्त है। ऐसे में इस समय के अंदर जो गर्मी है वो अपना प्रचंड रूप में होती है, लिहाजा गर्मी के चलते जो वोटर्स हैं इस समय नहीं निकलते हैं। हालांकि तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो आपको पूरी तरीके से मुस्तैद यहां पर दिखाई देंगे। और एटा के परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक का जो परसेंटेज था वो 27% के आसपास हुआ, लेकिन 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो अभी आंकड़ा सामने आया है वो तकरीबन 40% हो चुका है। यानी इन 2 घंटे में काफी तेजी से मतदान हुआ जरूरत है। तो जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में इस तरीके के तस्वीर दिख रही है कि बहुत ज्यादा लोगों के अंदर रुझान नहीं है या दिलचस्पी नहीं है, कई लोग साइलेंट भी, हमने लोगों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण इलाकों की जो तस्वीर है वो उलट है। ग्रामीण इलाकों में जो भी वोटर्स हैं वो घरों से निकल रहे हैं और सुबह से ही अपनी वोट डालने का काम कर रहे हैं। अभी तक का 40% जिस तरीके से मतदान हुआ है उससे अनुमान यही लगाया जा रहा है, क्योंकि 2019 के अगर आंकड़े की बात की जाए तो 61% के आसपास मतदान एटा में 2019 में हुआ था। लिहाजा अंदाजा इसी बात का लगाया जा रहा है कि 60 या 61% मतदान हो पाए, क्योंकि जिलाधिकारी से भी यहां पर हमारी बात हुई थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले और दूसरे फेज में जिस तरीके से मतदान कम हुआ उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा वोटर्स को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए गए। गांवों में मेहंदी प्रतियोगिता के साथ साथ बच्चों के खेल को लेकर कई तरीके के आयोजन किए गए और वोटर्स को जागरूक करने का काम किया गया ताकि मतदान परसेंटेज जो है वो बढ़ाया जा सके। अब देखना होगा कि शाम तक 6 बजे तक जो मतदान होगा, जो तैयारी थी या जो पहल जिला प्रशासन की तरफ से की गई, जो प्रयास किए गए वो कितने सफल हो पाते हैं, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो पहले चरण में भी हम लोग बिजनौर में गए थे, दूसरे चरण में गौतमबुद्ध नगर की तस्वीर देखी और अब तीसरा चरण है एटा की तस्वीर देख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा उत्साहित, जैसे आमतौर पर वोटर्स दिखाई दिया करते थे उस तरीके से उत्साहित वोटर्स नहीं है और इक्का दुक्का वोटर इसी तरीके से बूथ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो माना जा रहा है कि गर्मी का वक्त है क्योंकि 40 से 42 डिग्री का तापमान है, तो ऐसे में सभी लोग अपने घरों से निकलने से आपके पास में इसी बीच में सीधा रुख करेंगे बदायूं का, जहां से अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए दोपहर का वक्त है, धूप बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, सूरज एकदम सर पर है। अगर यहाँ पे मतदान के लिए वोटर्स की बात करें, कितनी संख्या में फिलहाल पहुंच रहे हैं, क्योंकि जाहिर है गर्मी का असर तो इस बार वोट प्रतिशत पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, इस वक्त क्या स्थिति? देखिए 1 बजे तक 35% था और उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले बार का ये आंकड़ा तोड़ेगा। और देखिए मेरे कानों में मेरी आवाज गूंज रही है और कई सारी डिस्टरबेंस आ रही है, तो मुझे पूरी तरीके से आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है, लेकिन जितना मैं समझ सका हूं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए गर्मी अपने आप में एक पूरा फैक्टर है और गर्मी जिस तरीके से है उसमें इफेक्ट करेगा। लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मौसम में घटा और जो सुहानापन था उसको लेकर उत्साह था कि जैसे बिलसी, इस्लाम नगर और दूसरे इलाके थे, जिस तरीके से आसपास का पूरा एरिया हम देखें जो यादव बाहुल्य है और ये मुलायम सिंह यादव के प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं, संभल हो गए और जिस जो आसपास के जिले हैं पूरी तरीके से ये माना जाता है और बदायूं और संभल की सीमा एक दूसरे से लगी हुई है, तो ऐसे में यहाँ वोटिंग परसेंटेज अगर कम रहता है तो ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि गर्मी अब अपने पूरे चरम पर पहुंच चुकी है, 40 के ऊपर टेम्परेचर है और दिन में ऐसी तस्वीरें होंगी इक्का दुक्का ही आपको मतदाता दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, जैसे 4 बजे का वक्त होगा या 5 बजे का वक्त होगा फिर से मतदाताओं की लाइन लगेगी। जितने मतदाताओं ने सुबह के टाइम भोर में, जैसे मैं गांव के इलाके में हूं, ग्रामीण अपना काम निपटा के भोर के समय अपना वोट डाल लेना चाहते हैं और यही हमें देखने को भी मिला है। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में हमें दिखाई दिया था कि 12 बजे तक भी लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे, क्योंकि ग्रामीणों को इतना फर्क धूप से शायद पड़ता नहीं है जितना शहर वासियों को, अर्बन एरियाज को पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अर्बन एरिया भी पूरे ग्रामीण एरियो से घिरे हुए हैं तो इतना असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 6 बजे तक पिछले 2019 का
औसत प्रतिशत पब्लिक तोड़ती है या जो दो चरणों का किस्सा रहा है कि कम वोटिंग परसेंटेज, वो वोटिंग परसेंटेज अब भी वही बनी रहती है जिस पर निगाह रहेगी, क्योंकि कम रुझान इस बार दो चरण में हो चुका है और ये तीसरा जो फेज है वो क्या इस मिथक को तोड़ पाएगा कि इस तीसरे चरण में जो इलेक्शन कमीशन की अपनी मुहिम है, जिला प्रशासन की, अलग अलग जिलों के जिला प्रशासन की अपनी मुहिम है, वो क्या रंग लाई है। क्योंकि कार्यक्रम अगर होते हैं जिला प्रशासन के, वो शहरी क्षेत्र में होके रह जाते हैं, ग्रामीण इलाकों में ऐसे कार्यक्रमों की गूंज और संदेश और संदेशे कमी पहुंचते हैं और ग्रामीण वैसे बहुत समझदार हैं, निकलते हैं खुद वोट करने के लिए। लेकिन जहां तक सवाल है, आपके पास में शुभम भी हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। देखिए, गर्मी का असर वोट प्रतिशत पर कम पड़े, शुभम, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन कितना असर? देखिए, जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई, तमाम तरह के जो दावे किए गए कि लोगों को जागरूक करने के लिए जिससे कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, लेकिन फिलहाल अभी कुछ ऐसी तस्वीर नजर भी नहीं आ रही। और चूंकि प्रचंड धूप, 40 डिग्री के आसपास का तापमान है, लिहाजा आप समझिए कि मैं मैनपुरी के एक बूथ पर ही मौजूद हूं और वहां की तस्वीर देखिए आप, इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं जो इस वक्त वोट देने के लिए घरों से निकल रहे हैं। बहुत ही कम संख्या में लोग बूथ पर नजर आ रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है बूथ पर। और ऐसे में आप समझिए कि 40 डिग्री का तापमान, आसमान से आग बरस रही है, हवाओं में इतनी ज्यादा गर्माहट है कि लोगों को तमाम तरह की दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। तरफ बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन आप मतदान देने आए हैं अपना? हाँ, मतदान देने आया। सारी चीजें किन किन मुद्दों को लेकर के मतदान देने के लिए आप निकले? वोट तो डर ही है, तो डर दो। अच्छा, तो बाकी सब व्यवस्था ठीक रही? हाँ, ठीक, कोई दिक्कत ना, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है, इसी वजह से लोग कम है क्या? हाँ, गर्मी ज्यादा, इसी वजह से लोग कम आ रहे हैं। आप समझिए कि लोग इस तरह से अपने चेहरों को ढक के, सर के ऊपर गमछे को लपेट करके निकले हुए हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग। लेकिन बात करें अगर बूथ पर लोगों के आने की संख्या की, तो फिलहाल अभी वो नजर नहीं आ रही। और लगभग जो, जैसा कि सुबह कैसा रहा, मतलब सुबह की क्या तस्वीर रही? हालांकि आप तो दोपहर की तस्वीर, उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक लोग उमड़ेंगे एक बार फिर? निश्चित तौर पर देखिए कि सुबह जब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, तब एक लंबी कतारें वोटिंग शुरू होने से पहले ही बूथों पर देखी जा रही थी। और यही गर्मी ही सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोग कहीं ना कहीं सुबह ही अपने मतदान को देकर के दोपहर के समय में नहीं निकलना चाहते, और इसी वजह से 11 बजे तक या 12 बजे तक मैक्सिमम अपना मतदान देकर अपने अपने घरों में रहना चाहते हैं। और जिसकी वजह से, क्योंकि 12 से 3 और उसके बाद 4, ये 3 से 4 घंटे प्रमुख तौर पर आप समझिए कि ये इस दौरान लोग जब बाहर नहीं निकलते, और यही कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट के रूप में देखे जाते हैं वोटिंग प्रतिशत में। और 4 बजे के बाद उम्मीद एक बार फिर से है कि 4 से 6 के बीच में जो मतदान होता है वो वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने का काम करता है। लिहाजा भी अगर अमेठी की, मैनपुरी की बात करूं अगर मैं, तो 38% के आसपास मतदान हो गया है। उम्मीद यही है कि काफी बेहतर अभी स्थितियां होंगी, जैसे जैसे 6 बजेगा, जैसे जैसे और देरी के साथ समय बढ़ता जाएगा, समय आगे बढ़ेगा, मतदान प्रतिशत भी बढ़ने की उम्मीद। अभिषेक, एक सवाल आपसे यह है कि पहला फेज आपने देखा, दूसरा भी आपने देखा, खबर आपने किया, कुछ तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है, या फिर हम कहें कि तीसरे चरण की जो तस्वीर है उसको भी उसी फ्रेम में सेट कर दिया जाए? हाँ, देखिए राहुल, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि वो तस्वीर बदल गई है। अगर वोटिंग एवरेज की आप बात करें तो दोनों फेसेस की तरह तीसरा फेस भी कुछ ज्यादा नहीं लग रहा। हाँ, सुबह की जब मैंने लाइनें देखी थी, तस्वीरें देखी थी, तो मतदाताओं की जो एनर्जी थी वो मुझे कह रही थी कि हाँ, दो फेस जो तुम देख के आए हो उसको हम चढ़ाते हुए अगले फेस में हम रिकॉर्ड बना लेंगे। लेकिन जैसे ही 12 बजे और 12 बजने के बाद अब पूरी धूप सिर पर आई है, तो वो थोड़ी सी तस्वीरें निराश करती हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि थोड़े से भगवान मेहरबान है, कभी धूप कभी छाँव का खेल चल रहा है। अगर ये धूप छाँव का खेल चला और थोड़ा सा मौसम सुहाना हुआ, तो पब्लिक हो सकता है कि इस सुहावने मौसम में, इस चुनावी मौसम का मजा ले ले और यहाँ आके वोटिंग कर ले अपने मनपसंद प्रत्याशी के ठीक लिए। आप तीनों सहयोगियों का धन्यवाद। जाहिर तौर पर लगातार हर एक तस्वीर, हर एक लोकसभा